कृपाल तुमाने जी, आप शिवसेना के सांसद हैं, धारावी एक बहुत बड़ी चुनौती, खासतौर से मुंबई की हम बात करें और आज की वहां की रिपोर्ट कहती है 40 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि अगर पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो कल 12 घंटे में 134 मामले सामने आए थे, जिसमें 100 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई के थे। इसके मद्देनजर आप लोगों की क्या है तैयारी और लॉकडाउन को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला आपकी अपनी सरकार यानी कि उद्धव सरकार जल्द ही कोई ऐलान कर सकती है? ऐसा है कि कल ही हमारे नेता मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने लॉकडाउन की सीमा 30 तारीख तक बढ़ा दिया है, आप सभी जने जानते हैं जी। सबसे पहले देश में लॉकडाउन करने का काम भी आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में ही लिया गया था और उसके बाद फिर आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया, क्योंकि आज हम धारावी जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी करके उसका इतिहास है, तो इस झोपड़पट्टी में सबसे ज्यादा पेशेंट हमें मिल रहे हैं। हमने उस पूरे झोपड़पट्टी को सील कर दिया है, किसी को भी उससे अंदर बाहर जाने का अब हम लोगों ने उसको हॉटस्पॉट पर डाल दिया है कि वहां कोई अंदर बाहर नहीं होगा किसी तरह से। लेकिन जो इतनी कॉम्पैक्ट झोपड़पट्टी है, अगर आप उस झोपड़पट्टी में एक तरह से एंट्री करोगे तो बाहर कैसा निकलने का, ये कोई रास्ता नहीं, चक्रव्यूह के समान झोपड़पट्टी है। लेकिन ऐसे इसमें भी आदरणीय उद्धव साहब जी ने वहां पर जिस तरह से बम्बई में रहते हैं तो बम्बई में पूरा उनको स्टडी होने के कारण वहां पर हर गली गली में बच्चे में सब तरह से बंद करके और सब 24/7 आप यकीन नहीं करोगे कि आप रात में 2 बजे भी अगर उद्धव जी को फोन लगा के और अपने कोरोना के बारे में बताते हैं तो इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। पुलिस कमिश्नर होंगे मुंबई के और मुंबई के हमारे चीफ सेक्रेटरी है मेहता साहब, ये सभी लोग सब अधिकारी सभी पार्टी के लोग मिलकर ये बहुत अच्छी तरह से मुंबई में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है बिल्कुल, और आप सभी लोग जानते हैं कि वहां से जो कुछ आता है वो सब देश में सबसे बड़ा है और आज सबसे ज्यादा अगर पेशेंट होंगे तो वो मुंबई में है। इसलिए उद्धव जी ने सबसे पहले निर्णय कर ले लिया इससे दूसरे नंबर पे कि हमारा 30 तारीख तक हमारे यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में अभी हमारे जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे यहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट है सभी जगह में पेशेंट है। आज हमारे नागपुर में एक दिन में 11 पेशेंट्स मिले, ये हमारे बहुत दुख की बात है। हम सभी लोग इसके ऊपर सभी अधिकारी हो सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हो आपस में समन्वय बनाते हुए हम आगे जा रहे हैं। दूसरी समस्या हमारे पास जो सीट के बारे में है, जिस तरह से अभी अगर मैं उदाहरण दूं तो नागपुर में पहले एक सेंटर था आज 3 सेंटर हो, लेकिन जो किट चाहिए तो किट की टेस्टिंग किट की हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है सामने आ रही, जिस तरह से आना चाहिए लेकिन मुझे ख्याल से देश में भी शॉर्टेज होगा जी। तो सबको कैसा बांटने का इसका रास्ता निकाल रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन महाराष्ट्र की तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा महाराष्ट्र क्योंकि मुंबई उसमें है देश की राजधानी वहां पर, आज सबसे ज्यादा 1200 पेशेंट आज मुंबई में होते, 1800 में से 1200 पेशेंट आज अकेले मुंबई से होना ये बहुत ही हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सारा देश का ध्यान उधर होगा, तो आपके चैनल से प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कल की चर्चा में मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब के बीच में भी इस विषय पे चर्चा हुई होगी कि सबसे ज्यादा किट हमें महाराष्ट्र में देने की जरूरत है, ताकि आज अपन देख रहे कि जितने फास्ट अभी अपन लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उतनी संख्या हमारी बढ़ते जा रही, कंटिन्यू बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रहे, लेकिन टेस्टिंग फास्ट हो रहा है हमारे लिए। मतलब आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से टेस्टिंग किट और ज्यादा मुहैया की जाए महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र से अगर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि वहां पर गंभीरता से टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। गंभीरता से हो रही है, पूरी तरह से हो रही है और बड़े ईमानदारी से हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग 10-10 दिन हो गए अपने घर में अभी तक गए नहीं है, ये भी बड़े जो जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स लोग और पुलिस लोग सेवा कर रहे, डॉक्टर हो या नर्स हो वो अस्पताल में हम लोग उनको सारी व्यवस्था वहां मुहैया करी। आदरणीय रतन जी टाटा जी ने अपना 5-स्टार होटल जो ताजमहल होटल है वो हमारे इन डॉक्टर हमारे जो योद्धा है डॉक्टर लोगों के लिए नर्सेस लोगों के लिए स्टाफ के लिए उन्होंने अपना 5-स्टार होटल खोल दिया है बिल्कुल, और इस तरह से सभी समाज सेवी लोग भी इस काम में बहुत अच्छी तरह से हमें मदद कर रहे हैं और सभी लोग मिलके हम इस लड़ाई में जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।